आपके लिए लेकर आई हूँ नूडल्स मिंस पाए, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, आपकी फैमिली को भी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे बच्चों को बनाकर लंच में भी दे सकते हैं और चाहें तो एज अ स्नैक टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आप मुझे मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन रोज़ाना मिलती रहे। तो चलें इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नूडल्स मिंस पाए बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमारे पास मौजूद है नूडल्स, मैंने एक पैकेट नूडल लिया था, उन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लिए। साथ ही 1/2 kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो इसमें चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने 2 tbsp चिली सॉस लिया है, सोया सॉस है हमारे पास 2 tbsp, लेमन जूस हमें चाहिए 1 tbsp, साथ ही हमें चीनी चाहिए 1 tbsp, केचप हमें चाहिए 2 to 3 tbsp, कुटी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास 1 tbsp, साथ ही ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए 1 tbsp, सॉल्ट हमें चाहिए 1 tbsp। अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए प्याज 2 medium size की मैंने चॉप करके रखी हुई है, साथ ही मैंने 2 medium size के आलू लिए थे, उन्हें बॉयल और स्लाइस कर लिया है। चेडर और मोज़रेला चीज़ है, मैंने दोनों 1-1 cup लिया था और दोनों को मिक्स करके रख लिया है। 1 cup मैंने चॉप की हुई शिमला मिर्च ली है, 1 cup के करीब मेरे पास टोमेटो पेस्ट मौजूद है, साथ ही मशरूम मैंने लिए है 1/2 cup के करीब। इसी के साथ ओरिगानो है हमें चाहिए 2 tbsp, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमें चाहिए 3 to 4 tbsp। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलें इसके मेकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कीमा मौजूद है, कीमे में मैं सबसे पहले ये लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, 1/2 हम इसमें ऐड करेंगे और 1/2 हम जब इसे कुक करेंगे तब डालेंगे। साथ ही इसमें हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं, साथ ही इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर देते हैं, इसी के साथ इसमें चिली सॉस भी ऐड कर देते हैं, साथ ही सोया सॉस भी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करके। देन फिर हम इसके आगे के स्टेप्स आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है ताकि इसमें एक पिंक सा कलर आ जाए। प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, एक पिंकिश सा कलर आ चुका है इसमें। अब मैं इसमें ये टोमेटो पेस्ट ऐड कर देती हूँ जो कि मैंने घर में बनाया है, आप चाहें तो इसमें कैन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से थोड़ा हल्का सा मिक्स करेंगे इसे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शुगर भी ऐड कर देती हूँ। शुगर ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे हम, साथ ही ब्लैक पेपर मेरे पास वो भी ऐड कर देते हैं। इसी के साथ ये केचप है मेरे पास वो भी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मेरे पास ये कैप्सिकम चॉप किया हुआ मौजूद है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें हम बीफ जो मैंने मैरिनेट किया था आपके सामने वो ऐड कर देते हैं, आप चाहें तो इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं मैंने जैसा आपको बताया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 मिनट तकरीबन कंटिन्यूस भूनूंगी ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका जो तमाम एक्सेस पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तमाम एक्सेस पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका है, मैंने 15 मिनट इसे कंटिन्यूस भूना था। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और आगे के स्टेप्स आपको बताते हैं।
कीमा जो मैंने आपके सामने बनाया था वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे लेयर आउट कर लेते हैं। लेयर आउट करने के लिए ये मेरे पास ओवन प्रूफ डिश मौजूद है, इसमें मैं सबसे पहले ये नूडल्स ऐड कर देती हूँ। हाफ मैं अभी ऐड कर रही हूँ, हाफ हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड आउट कर लेते हैं हर तरफ। साथ ही इसमें ये कीमा जो मैंने आपके सामने बनाया था वो ऐड कर दूंगे, ये भी मैं हाफ ऐड करूंगी। सेम प्रोसेस हम एक और बार रिपीट करेंगे इसका। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसे लेयर आउट कर लिया है। अब मैं इसमें ये बॉयल पोटैटोज ऐड कर रही हूँ, मैं इसे स्लाइस में ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कितनी सिंपल कितनी क्विक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे एज अ स्नैक टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पोटैटोज फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉयल ही किया जाए इसे। अच्छी तरह से हर तरफ हम एक एक पीस ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ये चॉप किए हुए मशरूम ऐड कर दूंगी, इसे भी हम अच्छी तरह से हर तरफ स्प्रेड कर लेंगे। साथ ही ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है, दोनों मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, वो इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। दोनों मैंने एक एक कप लिया है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। चीज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऊपर से ओरिगैनो फ्लेक्स ऐड करूंगी, आप चाहे तो इसमें पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओरिगैनो ऐड करने के बाद ये हमारी लेयर आउट अच्छी तरह से हो चुकी है, तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री पे। व्यूअर्स, अब हम पाए को बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने 20 मिनट पहले ही ओवन को प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसमें ये पाए के डिश रख देती हूँ, 10 मिनट के लिए हम इसे बेक करना है। आप देख सकते हैं हमारी पाए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आप मुझसे मजीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल रेसिपीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन रोज़ाना मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।